आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से न्यूट्रल को क्यों निकाला जाता है, और साथ ही मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से न्यूट्रल किस तरह से निकाला जाता है। तो गाइस वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक इलेक्ट्रिकल पर्सन के लिए, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो न्यूट्रल पॉइंट है किस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो है निकलता है। तो गाइस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन होता है और सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन होता है, और ये सेकेंडरी साइड के स्टार कनेक्शन से ही जो है ये न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। स्टार कनेक्शन के तीनों फेज जो होते हैं आर वाई बी, वो जो है एक तरफ शॉर्टेज रहते हैं पूरा, और वो शॉर्टेज वाले एरिया से जो है एक बस बार के थ्रू हमारा ये न्यूट्रल को निकाला जाता है। मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडस्ट्रीज में भी जो है न्यूट्रल का बहुत बड़ा एक रोल जो है प्ले होता है। हम सभी लोगों को पता है कि इंडस्ट्रीज में जो है थ्री फेज सिस्टम का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये न्यूट्रल भी जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हर एक इक्विपमेंट के लिए। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को जो है ग्राउंड कर दिया जाता है। सपोज मान लीजिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किसी दो फेज के बीच में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट के कारण हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होना हमारा वाइंडिंग से स्टार्ट हो गया। अब गाइज वो करंट को जो है हमें कहीं ना कहीं तो सैचुरेट करना पड़ेगा। इसके लिए गाइज हमारे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो है स्टार कनेक्शन करवाया जाता है। स्टार कनेक्शन में जहां पर तीनों फेज आकर के एक जगह में मिलते हैं, उस जगह से जो है ये न्यूट्रल पॉइंट को निकाल करके हमारे और उस न्यूट्रल पॉइंट को जो है बस बार के थ्रू ग्राउंड में दिया जाता है। किसी भी कारण हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अगर शॉर्ट सर्किट होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो वो करंट जो है हमारे सीधे उस बस बार के थ्रू जो है हमारे ग्राउंड में चली जाती है। सभी लोगों को पता है ये जो ग्राउंड है ये एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का जो है सागर है। ऑप्टिकली ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें जो वाइंडिंग्स होते हैं उस वाइंडिंग्स को ये जो है कहीं ना कहीं सेफ रखती है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सेफ रहता है, एक लॉन्ग टाइम तक जो है ये सर्विस दे पाती है। तो गाइस ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिसके वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन किया जाता है। उस स्टार कनेक्शन से बस बार के थ्रू जो है न्यूट्रल को निकाला जाता है, और उस न्यूट्रल को जो है बस बार के थ्रू फिर से जो है ग्राउंड कर दिया जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह हर रोज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली जो है वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।